वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएससी एग्जाम सिले। दोस्तों, न्यूज़ टीवी बिहार से एक बड़ी अपडेट है। ओल्ड पेंशन स्कीम, केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को देगी पुरानी पेंशन योजना का लाभ। केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की पूरी प्लानिंग जाहिर किया। इसको लेकर के विपक्ष राजनीति कर रहे हैं, तो हो सकता है कि केंद्र सरकार के पास इसको लेकर के कोई योजना है जिसको मंत्री जी ने जाहिर किया है। चलिए देखते हैं पूरा क्या है न्यूज़। नई दिल्ली, ओल्ड पेंशन स्कीम। दिवाली के बाद केंद्र सरकार सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ा तोहफा देने जा रही है। आने वाले कुछ दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जा सकता है, यहां पर संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस के द्वारा पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के वादे पर केंद्र सरकार के मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार देश भर में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मास्टर प्लान तैयार कर रही है। बहुत जल्द खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसकी घोषणा करने वाले हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सूत्रों का दावा है कि केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही इस फैसले पर विचार कर सकती है। मंत्रालय की तरफ से नहीं दिया गया कोई ठोस जवाब। ओल्ड पेंशन स्कीम, बता दें कि सरकार ने कर्मचारियों की मांग पर कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी थी। इसमें पूछा गया कि कौन से विभाग से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लागू किया जा सकता है। हालांकि मंत्रालय की तरफ से इस पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। इससे पहले संसद के बीते सत्र में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने इससे इनकार कर किया था कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का विचार कर रही है। विपक्षी पार्टी इस मुद्दे पर कर रही है फोकस। ओल्ड पेंशन स्कीम, सूत्रों का कहना है कि भले ही सरकार इस पर मना कर रही है, लेकिन चुनाव में जिस तरह विपक्षी पार्टी इस मुद्दे पर फोकस कर रही है, इससे आने वाले दिनों में पुरानी पेंशन पर फैसला लिया जा सकता है। सरकार की तरफ से जिनकी भर्ती के लिए 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले विज्ञापन जारी किए गए थे, उनके लिए पुरानी पेंशन पर विचार हो सकता है। पुरानी पेंशन योजना के तीन बड़े फायदे। ओल्ड पेंशन स्कीम 1, ओपीएस में पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती है। नंबर 2, ओपीएस में महंगाई दर बढ़ने के साथ डीए महंगाई भत्ता भी बढ़ता है। पॉइंट नंबर 3, जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है। 2004 में लागू हुई थी नई पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन स्कीम। केंद्र ने साल 2004 में नई पेंशन योजना को लागू किया था। नई पेंशन योजना के फंड के लिए अलग से खाते खुलवाए गए और फंड में निवेश के लिए फंड मैनेजर को भी नियुक्त किया गया। पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न अच्छा रहने पर पुराना योजना की तुलना में नए कर्मचारियों का रिटायरमेंट के समय अच्छी राशि मिल सकती है। इस पर कर्मचारियों का सवाल है, पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न बेहतर ही होगा, यह कैसे संभव है? चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें अपडेट पाते रहने के लिए। धन्यवाद।